जय सीताराम दोस्तों, आज हम फिर बेल के पेड़ के पास हैं और उसी का वीडियो बनाने जा रहे हैं। हमने पिछले दो वीडियो बना चुके हैं इसके बारे में, उनमें सिर का दर्द, मंदाकिनी और कब्ज़ की शिकायत का नुस्खा बताया था। आज फिर कई नुस्खे बताने वाले हैं, ध्यान से सुने, लास्ट तक सुने और लाभ उठाएं। ये अमृत के समान पौधा है, पेड़ है और अमृत के ही गुणों वाला पौधा है। तो दोस्तों, जब कभी हृदय में सूल उठे या हृदय में दर्द हो, दिल में दर्द हो, तो क्या करना है दोस्तों कि बहुत अच्छा इसका प्रयोग है, ये मैं कई में उपयोग कर चुका हूँ, आप भी उपयोग करें। पत्र का स्वरस निकाल लीजिए करीब 1 ग्राम और गाय का घी ले लीजिए 5 ग्राम और इसको मिलाने के बाद अच्छे से फेंट लीजिए। फेंटने के बाद धीरे धीरे करके चटाएं तो कुछ ही देर में देखेंगे कि हृदय का सूल एकदम ख़त्म हो जाता है और आपको लाभ मिल जाता है। और जैसे किसी के जुए पड़ गए हों बालों में, अक्सर देखे होंगे कि लेडीजों के जुए पड़ जाते हैं, लिखे पड़ जाती हैं, तो उनमें बड़ा अच्छा प्रयोग इसका मिला है दोस्तों और मैंने कई में अपनाया भी है। तो इसके पके फल को ले लेना है। पके फल मैं दिखा रहा हूँ, ये है पके फल, यहाँ पड़े हुए हैं, ये देखिए सूखे सूखे फल हैं, ये देखिए फल हैं, पके फल, और आसानी से आप कच्चे भी रख लेंगे तो पक जाएंगे। ये देखिए एक पका फल ये पड़ा हुआ है, तो पके फल को ले लेना है दोस्तों। और क्या करना है आपको कि पके फल को लेकर आधी कटोरी जैसे छिलके को साफ कर ले, मतलब इसके मतलब गूदा को निकाल लेना है। गूदे को निकालने पर इसे तिल के तेल में और कपूर मिलाकर डालकर इसको कुछ घंटों के लिए भिगो कर रख दें। जब ये भी फूल जाएगा तो इसमें तिल का तेल सिर में लगाना है दोस्तों। जब फूल जाएगा, अच्छा मिल जाएगा, काफ़ी मिलाने के बाद इसको छान के रख लें और छान के रखने के बाद सिर में धीरे धीरे करके मालिश करें तो कुछ ही दिनों में देखेंगे कि जुएं वाली समस्या, लीख वाली समस्या, रूसी वाली समस्या सभी से निदान हो जाएगा, बाल स्वस्थ हो जाएंगे और लंबे होने लगेंगे। दोस्तों, रतौंधी में भी बड़ा अच्छा प्रयोग इसका किया गया है। शास्त्रों में लिखा है 10 ग्राम ताजे बेल के पत्रों को 7 काली मिर्च के साथ पीस कर 100 ग्राम जल में छान कर 25 ग्राम मिश्री मिला देना है और सुबह शाम इसको खाली पेट पिलाना है और कुछ दिन तक रखे रहना है। और एक काम करना है, रात में इसी के जल, इसी को डाल के तांबे के लोटे में और रख देते हैं ढक के और फिर सवेरे सवेरे खाली पेट इसको भी पी लेते हैं। ये दो प्रयोग करने से रतौंधी जैसी बीमारी आपकी धीरे धीरे करके जाती चली जाएगी और आप स्वस्थ हो जाओगे। तो दोस्तों, ये और जैसे बहरापन है, बहरापन में भी बड़ा अच्छा प्रयोग है इसका। बेल के कोमल पत्र को आप ले लेना है, गाय के मूत्र में पीस कर 4 गुना तिल के तेल और 16 गुना बकरी के दूध में मिलाकर मंद आग में इसको पकाना है, धीरे धीरे करके पका कर सिद्ध करके रख लेना है, छान के बिल्कुल इस तेल को रख लेना है और जिसके कानों में 2-2 बूंद करके हर 2 घंटे 3 घंटे में डालना है और इससे जो है तो बहरापन